हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस डिजाइनिंग पे। तो लास्ट वीडियो की तरह आज की वीडियो भी दिवाली से रिलेटेड होने वाला। आज की वीडियो में जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं या कोई भी डेकोरेशन करने वाले हैं, इन्हें करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि दिवाली के लिए रह गए हैं थोड़े से दिन। ये लास्ट मिनट क्राफ्ट है जो कि हम दिवाली डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से हम 5 मिनट क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे डिस्पोजेबल ग्लास, फिर लेंगे एक बड़ा सा बॉर्डर। अब ग्लास के कॉर्नर्स पे हमें हल्का हल्का ग्लू लगाना है और इस बॉर्डर को कुछ इस तरह से लगा देना है। पूरे ग्लास पे ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीजर की हेल्प से हम एक्स्ट्रा बॉर्डर कट कर देंगे और यहाँ भी लगा देंगे ग्लू और इसको भी अच्छे से अटैच कर देंगे। अब लेंगे वही अपनी फूलों की मालाएं, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट फूलों की माला यूज की है। अब ग्लास की बैक साइड पे लगा देंगे ग्लू और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये है इसकी फाइनल लुक। हम यहाँ पे ले लेंगे 4 बैंगल्स, कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे। हॉट ग्लू की हेल्प से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन आप धागे की हेल्प से भी इसको जोड़ सकते हैं। अब लेंगे हम फ्लावर्स जो कि फ्लावर ज्वेलरी से निकलते हैं। उसके बाद हम एक लटकन लेंगे जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है पुराने परांदे से। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपने घर का कॉर्नर। आप भी किसी भी कॉर्नर को कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मटकी ले ली है, आप एक भी मटकी ले सकते हैं। उसके बाद एक फूलों वाली बेल वाली माला ले ली है। उसके बाद मैं कुछ इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाऊंगी कि मेरी ये बेल नीचे वाली सेट आ जाए। तो ये देखिए मेरी बेल यहाँ पे सेट आ चुकी है। अब मैं लूंगी व्हाइट कलर वाली फूलों वाली मालाएं, तो ये मैं सिंपल मालाएं ले रही हूँ। अब इसको भी मैं कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमाऊंगी और कॉर्नर पे सेट कर दूंगी। तो जो दूसरी रेड कलर वाली मटकी है उसमें भी हम व्हाइट कलर की माला यहाँ पे लगा देंगे और इसी तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे, कॉर्नर पे सेट कर देंगे और एक व्हाइट कलर की फूलों की माला आगे की तरफ भी सेट कर देंगे। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब मैंने ले ली है यहाँ पे फैंसी जैसी बैंगल स्टोन वाली, तो मुझे 3 बैंगल्स चाहिए। तो 1 बैंगल को कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे ग्लू। 2 बैंगल्स को इस तरह से हम ग्लू के साथ जोड़ देंगे और 1 बैंगल पे लगाएंगे ग्लू और इन दोनों बैंगल को भी आपस में जोड़ देंगे। अब लेंगे कोई भी कैंडल, बस उसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इस कैंडल को यहाँ पे लगा देंगे। एक फैंसी जैसी कैंडल हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए तो इस तरह से हम एक और कैंडल रेडी कर लेते हैं। तो इस बार मैंने कांच की चूड़ियां ली हैं, वो भी रेड कलर की स्टोन की। अब हम 3 बैंगल्स लगाएंगे, पहले हमने 2 बैंगल्स लगाई थी। तो कांच वाली चूड़ियां ज्यादा बेस्ट रहती हैं दूसरी बैंगल से। तो इसी तरह से हम ऊपर की तरफ कैंडल लगा देंगे ग्लू की हेल्प से। तो हमारी फैंसी जैसी 2 कैंडल्स हो चुकी हैं रेडी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब हम लेंगे ये पुरानी सीढ़ी और लेंगे एक पुराना दुपट्टा। इस सीढ़ी पे हम ग्लू लगाएंगे और इस दुपट्टे पे इसको इस तरह से लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा दुपट्टा हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे, वो भी राउंड शेप में। उसके बाद हम हल्के हल्के यहाँ पे कट्स लगाएंगे और यूज करेंगे हॉट ग्लू। आप स्ट्रॉन्ग ग्लू या फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं। और जो हमने थोड़ी थोड़ी कटिंग की है, इन सभी कटिंग को आपस में इस तरह से सीढ़ी के साथ जोड़ देंगे। तो हमारी ये सीढ़ी पूरी तरह से दुपट्टे से कवर हो चुकी है। उसके बाद हम लेंगे कोई भी पतला सा बॉर्डर। मैं सच बताऊं, मैंने एक चौड़ा सा बॉर्डर लगाने की ट्राई की थी लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक पतला सा बॉर्डर यहाँ पे लगाया। इसी तरह से हम इसको सीजर की हेल्प से एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट कर देंगे और लास्ट में ग्लू लगा के इसको भी हम अटैच कर देंगे। तो हमारा कैंडल होल्डर हो चुका है रेडी, इस पे कैंडल रख देंगे। तो ये इसकी फाइनल लुक।
नेक्स्ट क्राफ्ट के लिए हम लेंगे एक नेट का दुपट्टा, उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। मैं अरेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही कटिंग करनी है इस दुपट्टे की और सेंटर से इसको काट देंगे। अब हम लेंगे एक पुरानी बैंगल और बीच में इसको रख देंगे और कुछ इस तरह से अपने दुपट्टे को खींचेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे और धागे की हेल्प से यहाँ पे इसको टाई कर देंगे। तो टाई करने के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं वो ग्लू की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा रख लिया था और सुई की हेल्प से मैं नीचे की तरफ लटकन लगा रही हूँ। आप ये सब कुछ ग्लू की हेल्प से भी लगा सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो अब मैं एक फ्लावर ज्वेलरी का यहाँ पे फ्लावर लगा रही हूँ जिससे ये और अच्छा लगे। तो अब ऊपर की तरफ इसको हैंग करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इसी लटकन का ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ ऊपर लगाने वाली हूँ। ये देखिए जो मैंने नीचे लटकन लगाया है इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम सुई धागे से ऊपर की ही तरफ सिल देंगे। आप इसको भी ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे नोट्स लगा रही हूँ, तो पीछे की तरफ मैं इसको नोट्स लगा दूंगी और यहाँ पे इसको कर दूंगी बंद। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब हम लेंगे कोई भी ग्लास की बोतल, ये कॉफी की बोतल है। तो अब हम लगाएंगे फेबिकोल और ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरह से इसको फैला देंगे। अब हम लेंगे नमक, जी हाँ नमक लेंगे और इस फेबिकोल के ऊपर कुछ इस तरह से इसको फैला देंगे। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे बॉर्डर लेंगे, कोई भी आप फैंसी सा बॉर्डर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला बॉर्डर ले लिया है और एक साइड ग्लू लगा के पूरा राउंड घुमा के फिर से एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट करके ग्लू के साथ इसको मैं जोड़ दूंगी। एक्चुअली ये बर्थडे की कैप से निकला हुआ है और इसमें मैं लगाने वाली हूँ फेरी लाइट्स। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब हम लेंगे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स, एक बॉर्डर लेंगे कोई भी चौड़ा सा, उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम कटर की हेल्प से कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है, तो एक बास्केट जैसी की लुक हमें मिल चुकी है। तो इसमें बहुत सारे पेपर लगे हुए थे जो काफी ज्यादा मोटे लग रहे थे, तो मैंने सारे पेपर इसमें से निकाल दिए और मास्किंग टेप की हेल्प से इसको यहाँ पे जोड़ दिया। नीचे की तरफ तो हमने जोड़ दिया, तो ऊपर की तरफ भी हम इसको जोड़ देते हैं। इसको भी मैं हल्की हल्की मास्किंग टेप से यहाँ पे जोड़ रही हूँ। अब हम कोई अच्छा सा कार्डबोर्ड लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे, सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसमें लगाना है। अब हम पुराना दुपट्टा लेंगे और उसको डबल कर लेंगे और उसके बाद इस बॉक्स को यहाँ पे लगा देंगे और एक्स्ट्रा हम जो दुपट्टा है उसको कट कर लेंगे और हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और इस दुपट्टे को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इसको डबल किया है तो ये काफी ज्यादा दुपट्टा हो गया है, तो हम हल्का हल्का साइड से इसको कट कर लेंगे टू साइड लगाने के बाद। तो अब हम हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से दोनों साइड से। तो ये देखिए काफी अच्छी लुक मिल चुकी है। तो जो हमने कार्डबोर्ड कट किया था व्हाइट कलर का उसको कुछ इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो पहले ग्लू लगा लेते हैं ताकि ये निकले नहीं और इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो बहुत प्यारी सी बास्केट बनके रेडी हो चुकी है, आप इसको एज अ ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। अब लेंगे हम कोई भी नेट का दुपट्टा और उसके बाद सेंटर में इसको रख देंगे, हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। बस हल्का हल्का ग्लू लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है ऊपर की तरफ। मैं आपको बता दूं इसको बनाने में आपको 5 मिनट नहीं लगने वाले, ज्यादा ही टाइम लगेगा, लेकिन ये एक गिफ्ट बास्केट जैसी बनने वाली है जो कि दिवाली पे आपके काफी काम आने वाली है। तो मैं इसी लिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो जो बॉर्डर हमने मेजरमेंट के लिए लिया था बस वही बॉर्डर हम ग्लू की हेल्प से चारों कॉर्नर्स पे हम लगा देंगे और एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट करके उसको भी हॉट ग्लू की हेल्प से अच्छे से लगा देंगे। तो मैं आपको बता दूं अष्टमी का व्रत था तो मैं अपने बेबी के लिए ये बास्केट बना रही हूँ ताकि मैं उसको इसमें बहुत सारी चीजें भर के दे दूं। तो मैं बता देती हूँ इसमें एक्चुअली पैकिंग कैसे करते हैं, कईयों को पता होगा पर कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम इस दुपट्टे कुछ इस तरह से खोलेंगे, तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कुछ भी, आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए और थोड़े से पैकेट्स भी रख दिए, चॉकलेट्स भी रख दिए और एक खिलौना भी रख दिया उसके लिए।
तो उसको सारी चीज़ें तो खाने को नहीं मिलने वाली, ये वन बाय वन करके डेली एक ही चीज़ उसको मिलती है बेचारे को खाने को, लेकिन मैंने भर दी हैं ताकि वो खुश हो जाए कि उसको एकदम से इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम इस दुपट्टे को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे, सारे दुपट्टे को एक ही हैंड में हम ले लेंगे, फिर लेंगे एक रबड़ और रबड़ को कुछ इस तरह से टाई कर देंगे यहाँ पे। आप इसको टाई करने के बाद कुछ फ्लावर वगैरह भी लगा के इसको फैंसी जैसा बना सकते हैं, लेकिन टाई करने के बाद आप खुद देखेंगे कि ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक एक फ्लावर जैसा बन जाता है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 5 मिनट्स वाले या लास्ट मिनट भी आप बोल सकते हैं क्राफ्ट अच्छे लगे होंगे, और इन क्राफ्ट्स की हेल्प से कोई भी अपने घर को बहुत इजीली डेकोरेट कर सकता है किसी भी फेस्टिवल पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर देना। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।